का वीडियो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आप प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और यहाँ पे सर्च कीजिए फोटो वीडियो मेकर, उसके बाद आपको ये वाला एप्लीकेशन दिखाई देगा, इसे आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद इसे आपको जो है ओपन करना है, तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखा दिखाई देगा क्रिएट वीडियो, इस पर आपको करना है क्लिक और यहाँ से आप उस फोटो को सेलेक्ट कर लीजिए जिससे आपको वीडियो बनाना है। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको हर एक सेटिंग अच्छे से बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो इमेज वाले फोल्डर, इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ से उस इमेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे मुझे वीडियो बनाना है, तो उसे हम थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको जो है नेक्स्ट जो लिखा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करके नेक्स्ट हो जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आपको लगता है कोई फ़ोटो आपको ऊपर नीचे करना है तो आप उसे डायरेक्ट यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं मेरा सारा फ़ोटो में जो है दो तरह का मार्क दिख रहा है, एक दिख रहा कट का और एक दिख रहा पेंसिल का। कट कीजिएगा तो यहाँ से वो फ़ोटो कट जाएगा, और पेंसिल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इसमें जो है एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जिस तरह चाहें उसे एडिट कर लीजिए। मुझे ये जो फ़ोटो है वो ओल्ड मेमोरी के रूप में सेव करना है, इसलिए मैं इस पर इस तरह का इफ़ेक्ट जो है कर रहा हूँ। इसे आप जो है अपने हिसाब से ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जब ये आपका हो जाए तो फिर जो ऊपर वाला साइन मार्क का जो टिक दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, और फिर इस पर आप क्लिक कीजिए, क्योंकि मुझे इस पर जो है ब्लैक एंड वाइट इफ़ेक्ट लाना है, इसलिए मैं यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट वाला जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसे डन कर देता हूँ। फिर एक बार हमें इसे ओके करना है और ये हमारा फ़ोटो एडिट हो गया। अब दूसरा पार्ट में भी आपको इसी तरह करना है। मेरा वो जो पहले वाला फ़ोटो था वो ब्लैक एंड वाइट है, तो इसीलिए मैं भी इसको जो है ब्लैक एंड वाइट ही कर रहा हूँ। तो आप देख लीजिए किस तरह ब्लैक एंड वाइट हमें करना है। आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से सेट कर लीजिए, फिर इसे ओके कीजिए और यहाँ पे से आप जो है ब्लैक एंड वाइट को सेलेक्ट कर लीजिए और ये आपका जो है ब्लैक एंड वाइट हो गया, और इसे आप डन कीजिए, फिर एक बार ओके कीजिए। ये देखिए मेरा दोनों ऊपर का जो फ़ोटो है वो ब्लैक एंड वाइट है और बाकी का कलरफुल है, तो इस पर आप अलग अलग जो है कलर इफ़ेक्ट ला सकते हैं। तो इसे आप अपने हिसाब से जो कलर आपको अच्छा लगता है उस कलर को आप चूज कर लीजिए और उसे सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। इस तरह आपका सारा फ़ोटो जब एडिट हो जाए तो देखिए दोस्तों मेरे एक नीचे का फ़ोटो मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ स्पेशल है इसमें, वो ये कि इसका हेडलाइट जो है ऑफ़ है, तो ऑन करने के लिए ये लेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे बहुत सारा लेंस का जो है मिल जाएगा आपको इफ़ेक्ट, तो उसे आप जो है अच्छी तरह से सेट कर लीजिए। उसके बाद फिर इसे भी ओके कर दीजिए, फिर एक बार इसे आप चाहे तो कलर को भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे बहुत सारा आपको जो है कलर ऑप्शन मिलता है, आप सारे फ़ोटो में इस तरह का कलर जो है इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक किसी भी अच्छे सा इफ़ेक्ट जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पे ये वाला इफ़ेक्ट जो है ले लेता हूँ, इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ और ये मैं इसे ओके कर देता हूँ। ठीक, अब फिर मैं ओके करता हूँ एक बार, तो ये मेरा जो है वीडियो बन गया है। चलिए एक बार हम इसे प्ले करके देखते हैं, तो ये देखिए ये जो वीडियो है वो बन गया है और ये अच्छी तरह से चल रहा है। अब देखिए दोस्तों नीचे बहुत सारे आपको दिखाई देगा इफ़ेक्ट का कुछ टूल्स है, तो जैसे पेंसिल वाले पे आप क्लिक करते हैं और एडिट इमेज पे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से किसी भी इमेज को जो है ला सकते हैं या उसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं इतने ही इमेज रहने देता हूँ। अब ये घड़ी वाला जो आइकॉन है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप जो है इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, लंबाई को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आगे वाला जो आपको दिख रहा आइकॉन वो फ्रेम वाली है, यानी अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इस वीडियो पे अलग अलग फ्रेम को जो है सेट कर सकते हैं। तो मैं इसे जो है अभी नॉर्मल में ही रहने देता हूँ और मैं फर्स्ट वाला थीम में आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत सारा थीम का इफ़ेक्ट है, आप जिस थीम पे चाहे लगा इसे सेट कर सकते हैं। अगर आप थीम पे सेट करते हैं तो यहाँ आपको अलग अलग थीम जो है देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग थीम हैं, मैं आपको और स्लाइड करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए है ना दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल फ्री है और ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलेगा, और इस ये ज़्यादा MB का भी नहीं है, तो इसे आप बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो देख लें यहाँ पे बहुत सारे थीम हैं, पर मैं इसे फर्स्ट वाला थीम पे ही रहने देता हूँ। अब इसमें अगर आपको सॉन्ग डालना है तो उसके लिए ये जो पेंसिल वाला आइकॉन है इस पर आप क्लिक कर लीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट म्यूजिक पे जाइए और किसी भी अपने मनपसंद गाने को सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों किस तरह का, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी सॉन्ग में डीजे इफेक्ट कैसे लाएँ, यानी डीजे सॉन्ग हम कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल से, यह जानने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख कर सीख सकते हैं। तो चलिए यहां से हम किसी भी गाने को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, ये गाने का लंबाई अधिक है इसलिए हम अपने हिसाब से इसे जो है कट कर देते हैं और इसे फिर जो है एड म्यूजिक पर क्लिक करके एड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अगर सेव करना है तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि आप किस फॉर्मेट में इसे सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे फुल एचडी में इसे जो है सेव करना चाहता हूँ, तो इसे मैं फुल एचडी पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये आपका जो है वीडियो सेव होने में थोड़ा समय लगेगा, और अब हम आपको बताएंगे दोस्तों कि यह वीडियो सेव हो जाने के बाद आपके फ़ोन मेमोरी में किस जगह पे है, तो आप वीडियो पे बने रहिए। तो देखिए ये जो वीडियो हमारा बन गया है और ये कितने एमबी का है आइए हम देखते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत ही कम एमबी का बना है, 9.5 एमबी का है बना है दोस्तों, और वो भी फुल एचडी में। तो चलिए अब हम देखते हैं ये कि हमारे फ़ोन मेमोरी में किस जगह पर ये हमें मिलेगा। तो इसके लिए आप इंटरनल स्टोरेज को ओपन कीजिए और यहाँ पे आपको एक फाइल दिखाई देगा b/100, इसे ओपन कीजिए और ये रहा आपका वो बनाया हुआ वीडियो। यहाँ से आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए अपनी इस वीडियो को। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इसी तरह का जानकारी मिलते रहेगी। और अगर अभी तक आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो 5 हमारा सर्च करके इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि मैं वहाँ भी आपको हेल्प कर सकूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।